तो तन्नू भाई, आज आपके पास बेस मॉडल वरी जा रखी है, इसमें आप क्या क्या करने वाले हो भाई? इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक एंड्रॉइड लगाएंगे, हाँ, एडिशन का 464। अच्छा, और उसके बाद इसके अंदर स्पीकर लगाए जाएंगे। अच्छा, वो कौन सी कंपनी के रहेंगे? कंपनी रहेगी या तो अभी डिसाइड करेंगे कस्टमर की, करेंगे कौन सा उसके अंदर बेस सही आएगी। अच्छा, या तो सोनी लगेगा या JBL या रॉकफोर्ड। अच्छा, तीनों में से वो होगा। तो इनकी क्वालिटी वैसे बढ़िया रहती है? टॉप। तो अगर नॉर्मल कस्टमर लगवाना चाहे तो कौन सी कंपनी के लगवानी चाहिए? मैं प्रेफर करूंगा आपको रॉकफोर्ड के। रॉकफोर्ड के। तो प्राइस कुछ क्या रहने वाला है इसका? प्राइस सर अलग अलग है, उसका कोई वो नहीं है, कस्टमर के अकॉर्डिंग है वो, तो हम ऐसे खुल के बता नहीं सकते। अच्छा, तो इसमें स्टेयरिंग भी लगाओगे क्या? हाँ जी, स्टेयरिंग लगाया जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो भाई अभी इस बरिजा में सारा काम होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या होने वाला है, इस बरिजा में क्या चीज़ लगेगी क्या नहीं, अभी हमारा काम चालू हो चुका है। तो तन्नू भाई, इसको खोलो, दिखाओ कैसे कैसे क्या खुलता है। सबसे पहले ये खुलेगा आपका, तो ये इस तरीके से खुल गया। यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, एक ये पहले से खोल रखे हैं तन्नू भाई ने, तो इसको निकालेंगे अब। ये दो कपलर होते हैं। तो अच्छा, एक बात और बताओ, कस्टमर ये रहते हैं कि वायरिंग कट होगी ये वो, उस चीज के बारे में आप बताओ। इसमें इसके अंदर कोई वायरिंग कट नहीं होगी। अच्छा, सारा कपलर टू कपलर सिस्टम होगा। अच्छा, वायरिंग जो दरवाजे है हमारे, दरवाजों के अंदर भी, इनके अंदर भी कपलर लगाए जाएंगे। अच्छा, कोई वायरिंग कट नहीं होगी। कई बार क्या कहते हैं कंपनी के अंदर, किस कहेंगे आप बाहर काम कराओगे तो उसकी वायरिंग कट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसमें सारे आप कपलर टू कपलर काम करने वाले हो। तो भाई, ये कंपनी ने दे रखे हैं तार, इसके अंदर कपलर टू कपलर काम करेंगे, वो आपको सारी चीज दिखाएंगे। अभी तो हमारा काम चालू हो चुका है गाड़ी का, तो अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये फ्रेम बताते हैं आपको कि किस क्वालिटी के फ्रेम है। एक आता है ये नॉर्मली डल में है ये आपका, ठीक है, इसमें कोई शाइन नहीं है, मगर हम ये नहीं लगाएंगे, इसी का ये लगाएंगे, इसके अंदर शाइन है। अच्छा, तो इसमें और इसमें फायदा क्या है भाई? फायदा बस लुक का है, आप देख सकते हो दोनों। हाँ, तो भाई ये वाली लुक अच्छी लग रही है, इसमें क्या नाम, पियानो सी आ गया, डल में आ गया, मतलब इसकी शाइन नहीं है। हाँ, तो भाई टॉप मॉडल में भी यही आता है ना, तो यही लगाओ भाई, यही अच्छा लग रहा है। और एंड्रॉइड कौन सा लगा रहे हो आप? ये लगा रहे हैं 464 एडिशन, एडिशन का एप्पल कारप्ले के साथ। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड दोनों है ना? यस। तो भाई ये दो चीज लगा रहे हैं इसमें। तो भाई इसका प्राइस पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में हम नहीं बताते। तो भाई ये दोनों चीज लगने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी क्वालिटी क्या रहती है। अभी हमारी गाड़ी का काम चल रहा है, ये एंड्रॉइड तो लग चुका। तो भाई तन्नू भाई, स्पीकर कौन से डिसाइड करें भाई ने? डिसाइड ये करे हैं रॉकफोर्ड, जो मैं आपसे कह रहा था, मेरे हिसाब से रॉकफोर्ड बेस्ट है। अच्छा, कस्टमर ने भी रॉकफोर्ड को ही प्रेफर करा है। अच्छा, तो 160 वोल्ट है, ये बढ़िया आउटपुट है इसकी, बढ़िया आउटपुट, डिसेंट आउटपुट है। अच्छा भाई, तो नॉर्मल बढ़िया स्पीकर लगवाने चाहिए तो ये है, ज्यादा हाई फाई भी नहीं है और ज्यादा और ज्यादा कम भी नहीं है। मतलब ये ऐसी चीज है जो कंपनी लगवाते हो ना, कंपनी से 2-3 गुना फालतू आवाज है इनकी और आउटपुट भी अच्छी है। तो भाई हमारा ये एंड्रॉइड लग चुका है एडिशन का। तो भाई इसमें ये एप्पल कारप्ले का सिस्टम है और ये एंड्रॉइड ऑटो का। तो भाई अगर किसी को एप्पल पसंद है तो ये थीम कर सकता है इसमें, और एंड्रॉइड पसंद है तो ये कर सकता है। और मेन बात ये है, अगर एप्पल का फ़ोन है तो इसमें ऑटोमेटिक एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ इस तरीके से, ये है इसमें एप्पल कारप्ले, अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। भाई कंपनी की तरफ से ये वायरिंग आ रखी होती है इसमें, तो हम लगा रहे हैं इसमें ये कपलर, इस तरीके का कुछ कपलर हो जाएगा। और इसमें ये रॉकफोर्ड के स्पीकर लगाने वाले हैं। इसकी वोट बताता हूँ मैं कितनी है। तो भाई इसकी क्या नाम, 40,000 के लिए रिंग लगा दी है, इसके ऊपर स्पीकर लग जाएगा बॉडी इस पर, मतलब आवाज़ नहीं करेगी। इसको लगने का फ़ायदा ये होता है, और पानी वानी भी नहीं जाएगा, जैसे इसमें पानी चला जाता है ना, तो इसको लगने के बाद इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा और इसकी फिटिंग हो जाएगी प्रॉपर। तो तन्नू भाई ये क्या कर रहे हो आप? इसके अंदर ये कपलर लगा रहे हैं हम, जिससे आपकी वारंटी ख़त्म ना हो। अच्छा, ये वाला गाड़ी की कोई वायर कट नहीं होगी। अच्छा, देखिए सीधा एक्यूरेट कपलर लग गया आपका स्पीकर। तो भाई अब इस तरीके से कुछ इसमें स्पीकर लग जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की, नहीं तो आपके दरवाजे आवाज करेंगे, नहीं तो इसके अंदर पानी जाएगा, और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी गाड़ी में लगवाओ तो कुछ इस तरीके से लगवाना, चाहे कहीं से भी लगवाओ, ये चीज़ आपकी बेटर रहेगी। तो लगा दो तन्नू भाई इसको। तो भाई एंड्रॉइड हो चुका है हमारा कति फाइनल, तो इसमें आपको वीडियो क्वालिटी और दिखाता हूँ चला कर। तो अभी हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ इसका, फिर वीडियो दिखाता हूँ कैसी दिखेगी। स्पीकर प्रॉपर कंप्लीट फिक्स हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो 1-2-3-4 पेच लगाए प्रॉपर तरीके से। काम करने का तरीका यही होता है कि इसमें प्रॉपर पेच लगाएं, जितने पेच जगह दे रखी है। तो सब क्या करते हैं, 1-2 पेच लगा के ऐसे लटका देते हैं, वो काम नहीं है, प्रॉपर काम हो चुका है इसका।
इसका यूट्यूब चला के दिखाते हैं किस तरीके की इसकी वीडियो क्वालिटी रहेगी। भाई कुछ इस तरीका से इसका यूट्यूब चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। साले मेरे पैसे कब देगा? पैसे कब तो भाई कुछ वीडियो क्वालिटी है इसकी। पैसे मांगने का इसमें कैमरा लग रहा है जैसे कि मैं आपको कैमरा दिखाता हूं। तो भाई ये माउंट वाला कैमरा है, ओरिजिनल फिटिंग हो जाएगी इसकी जैसे कंपनी देती है इस तरीके से कुछ लगेगा। ये लगने के बाद इसको दिखाते हैं इसकी क्लियरिटी क्या रहती है। अभी वायरिंग हो रही है भाई। ये है बेस मॉडल, तो इसमें ना आर्म रेस्ट नहीं देती कंपनी, तो कुछ इस तरीका का देती है फ्रेम। तो हम इसमें लगाने वाले हैं ओरिजिनल आर्म रेस्ट, लगाने के बाद इसकी फिटिंग दिखाते हैं। तो भाई ओरिजिनल आर्म रेस्ट है ये कंपनी का मारुति जेनमैन एसेसरीज। तो इसको लगाने के बाद दिखाते हैं कैसी इसकी फिटिंग आती है। प्रॉपर आ जाएगी, यहाँ से पूरा खुल जाएगा और ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करके दिखाते हैं भाई। इसका खोलने का तरीका ये है, एक ये रहा इसका नट, और सबसे पहले आपको इसको हटा लेना है। ये आराम से हट जाएगा इस तरीके से। इसको हटने के बाद दिखाता हूँ, एक ये नट है जैसे कि इधर का नट खोल दिया, इसके बाद ये पूरा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसमें कोई नट नहीं है भाई। दो नट ये होते हैं, एक ये हो गया, एक ये। चार नट खोलने के बाद ये प्रॉपर ऐसे उठ जाएगा आराम से। ये इस तरीके का कुछ बाहर आ गया निकल गए। इसके बाद लगेगा इसमें ये ओरिजिनल वाला, ये भाई इसमें नट तो प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। उसके बाद अब ये नट रह गए इसके। ये नट लगाने के बाद इसकी फिटिंग करके प्रॉपर दिखाता हूँ किस तरीके से फिट हो जाएगा प्रॉपर। ये सब बोलते हैं कि रिवर्स कैमरा लगाते टाइम वायरिंग कट हो जाती है, तो भाई से पूछते हैं भाई ने क्या करा। तो भाई आपने क्या करा है? भाई वायरिंग कट ना हो इसलिए हमने इसके अंदर ही कपलर के अंदर ही इसके तारे डाल दिए। अच्छा, तो भाई आपकी कोई वायर नहीं कटेगी। अच्छा, तो भाई सब मेन तरीका यही है कि इसके कपलर के अंदर वायरिंग डाल के काम करो, उससे कोई वायरिंग कट नहीं हो पाएगी। तो भाई इस तरीके से कुछ काम हो रहा है इस गाड़ी का। तो भाई कुछ इस तरीके से ये कैमरा फिट हो चुका है, कंपनी वाला फिटिंग जैसे कंपनी देती है उस तरीके की इसकी फिटिंग है। भाई अपनी ब्रिज्जा का काम हो चुका है फाइनल। तो भाई इसमें ये चीज़ सब कंप्लीट हो रही है। तो भाई इसकी मैं आपको आवाज दिखाता हूँ किस तरीके की इसकी साउंड है। लाइनिंग वाला है जैसे स्टेयरिंग घुमाएंगे तो इधर उधर दिखाएगा। और अब दिखाते हैं इसकी साउंड की आपको क्वालिटी। भाई अभी बरिज जा के आ रहा है, इसकी आ चुकी है ये। तो भाई कुछ इस तरीका भी इसकी होता है। तो भाई जाने के बोलते कितना है तो भाई ये इसकी ग्रिल है, इसकी फिटिंग करने के बाद इसकी लुक दिखाते हैं किस तरीके से आएगी। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। इस मारस ग्रिल ने इंस्टॉल कर दिया है। तो भाई नीचे फॉग लाइट एलईडी और ऊपर भी एलईडी लगाने वाले हैं। अभी तो येलो वाला पे जो कंपनी ने दे रखे हैं इसमें 220 वोल्ट एलईडी लगाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो भाई ये मैक्स लिंक की आ चुकी है एलईडी जीटी। इसको लगाने के बाद इसकी आउटपुट दिखाते हैं क्या लाइट आ गई इसकी। ये हेडलाइट में अभी एलईडी कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई इसकी लाइट दिखाता हूँ। टिप्पर मार मार। तो भाई ये कुछ लाइट है इसकी। बाकी अभी इसका बम्पर वगैरह पैक करते हैं, फिर इसकी लाइट आपको बढ़िया तरीके से दिखाते हैं किस तरीके की लाइट है। ये टॉप मॉडल का स्टेयरिंग आ चुका है। तो भाई ये रहा इसमें कंपनी वाला और ये है इसका टॉप मॉडल का। तो भाई ग्रिल लगने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो। तो भाई इसको आरएस ग्रिल बोलते हैं, ग्लोसी ब्लैक। तो भाई इसमें एलईडी भी लगा दी है और नीचे फॉग लाइट भी लगा दी है। तो भाई इनकी लाइट तो आपने देख ही ली होगी। भाई एक बार लाइट ऑन करना। तो भाई इसकी लाइट और दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये इसकी लाइट है, डिपर मारो भाई। तो भाई ये कुछ इसके डिपर है। बाकी कुछ इस तरीके की लुक आ रही है गाड़ी की फ्रंट से। तो भाई ये स्टेयरिंग निकाल रहे हैं, उसके बाद ये निशान लगाना जरूरी है। वो निशान से सीधा लग जाता है इसके अंदर।
तो भाई ये निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकालेगा तो स्टेयरिंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने वाला है। तो भाई ये निकल गया इस तरीके से। तो भाई इसमें ओरिजिनल हब लगेगा, ये मारुति का MGA का। अभी उस्ताद इसको खोल देंगे इस तरीके से, और प्रॉपर वायरिंग होने वाली है, कपलर टू कपलर, कोई भी वायरिंग कट नहीं होगी। ये तुम्हारे पास में क्या पड़ा, टूट जाएगा? सही बताओ।